एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिया जाए, yes, आपकी चॉइस होगी बनना या एसडीएम बनना? सर एसडीएम बनना। क्यों, आप तो एजुकेशन के लिए काम करना चाहते हैं। सर एसडीएम बनके मैं एजुकेशन के साथ साथ और भी हर फील्ड में काम कर सकती हूँ। धार जिले की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताइए। सर धार जिला मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में स्थित है और मालवा क्षेत्र में आता है। धार जिला एलिवेशन अगर देखें तो 581 मीटर की ऊंचाई पर है और जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में वो ये हैं कि पर्यटन के हिसाब से उसमें एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल मार्वल मांडू खुद आता है। निधि, यस सर, आपके नाम का अर्थ क्या होता है? सर निधि का मतलब होता है कोष, और अगर देखा जाए तो और एलैबोरेट किया जाए तो वेल्थ या कुबेर के कोष को निधि कहा जाता है। स्टोरेज ऑफ वेल्थ, सर कोष यानी तो वेल्थ का स्टोरेज ही है या वेल्थ जो है वो खुद एक स्टोरेज है। और इसमें कोई डिफरेंस होता है? सर मेरे ख्याल से एक ही होंगे। यस सर। सरकार की निधियों के बारे में पता है? सर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, यस सर, सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 266(1) क्लॉज 1 में दिया हुआ है। सर इसके अलावा कंटिंजेंसी फंड है और सर पब्लिक फंड या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया भी है। हम बताएं सबसे बड़ा कौन सा फंड है? सर मुझे लगता है कंसोलिडेटेड फंड है। कौन कौन से आइटम्स इसमें इंक्लूड होते हैं? सर कंसोलिडेटेड फंड मोस्ट ऑफ द रिसीट्स जो गवर्नमेंट की होंगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही आती हैं। जैसे कि जो भी हमारे टैक्स रेवेन्यूज रिसीव होंगे गवर्नमेंट के वो सारे, इवन जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज यानी ओवरऑल रेवेन्यूज जो रिसीव होंगे वो भी इसी में आएंगे। प्लस जो गवर्नमेंट लोन्स रेज करेगी इंटरनेशनल बॉडीज से भी और डोमेस्टिकली भी, वो भी इसी में आएंगे। और जो लोन्स के इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने दिए हैं जो वापस आ रहे हैं वो भी इसी में आएंगे। और पब्लिक अकाउंट फंड में क्या आता है? सर इसके अलावा जितने भी रिसीट्स हैं जैसे कि सर स्मॉल सेविंग्स जो गवर्नमेंट चलाती हैं या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हो गए या पीएफ हो गया, ये सारी चीज़ें सर पब्लिक अकाउंट। और कुछ जुडिशियल रेमिटेंसेस किसमें? जुडिशियल रेमिटेंसेस सर आई एम नॉट श्योर, सर मेरे ख्याल से पब्लिक फंड में आना चाहिए या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आना चाहिए। सर पढ़ा है आपने इसके बारे में? असल क्या होता है जुडिशियल रेमिटेंसेस? सर मैं मुझे पूरा आइडिया तो नहीं है बट एज द वर्ड सजेस्ट्स कि जो जुडिशरी के ऊपर हम जैसे जुडिशियल हम कहते हैं कि चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, तो सर आई गेस आई बिलीव इट शुड बी दैट बट आई एम नॉट श्योर ऑफ इट। यस सर। खर्चा कैसे होता है? सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चे के लिए पार्लियामेंट का अप्रोप्रिएशन ज़रूरी है। हाउएवर जो पब्लिक फंड है वो क्योंकि वो पब्लिक का ही मनी है तो उससे हम पहले पेमेंट कर सकते हैं और बाद में पार्लियामेंट से अप्रोप्रिएशन ले सकते हैं। और जो कंटिंजेंसी फंड है सर वो एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर लगता है। सर प्रेजिडेंट सर स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स क्या होते हैं? इस तरह का प्रावधान है क्या कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ही फंड होंगे? सर स्टेट गवर्नमेंट को जो फंड्स हैं वो एक तो टैक्स जो कलेक्शन रहता है, ऐसा नहीं मतलब ये है क्या उनके पास में कंसोलिडेटेड फंड है, क्या उनके पास में पब्लिक अकाउंट फंड है? सर आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, स्टडीड अबाउट इट। यस सर। अच्छा आप ब्राह्मण है जानती होंगे ये देवताओं के जो पोषा थे वो कौन थे? कुबेर सर। कुबेर? यस सर। कौन थे कुबेर आपको पता है उनके बारे में? सर वो रावण के भाई थे और सर बस इतना ही जानती हूँ। अच्छा। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर वो हाउसिंग बोर्ड में है अभी करेंटली, हाउसिंग बोर्ड में है सर। अच्छा, और अभी धार में पोस्टेड है सर। हाउसिंग बोर्ड का कार्य क्या होता है? सर लोक निर्माण विभाग है वो, तो सर जो भी पब्लिक के लिए जो भी जैसे के अंतर्गत आता है? नहीं सर अलग मंडल है सर,
लोक निर्माण विभाग मंडल के अंतर्गत कार्य करता है, उसके सारे ऑफिसर सर अलग से अपॉइंट किए जाते हैं. और सर जैसे छोटे LIG हाउसेज हो गए या MIG हाउसेज हो गए, इनके यूजुअली खुद के कॉलोनीज होते हैं. और सर कई बार कॉलोनीज में गार्डन्स और मंदिर, सर मोस्टली कॉलोनीज डेवलप करने का नाम. यस सर, सर लोअर इनकम ग्रेड और मीडियम इनकम ग्रेड. सर बेसिकली इनकम के बेसिस पे इन्हें सॉर्ट किया जाता है. और सर इनका जो एरिया रहता है दैट इज डिफरेंट, मतलब LIG. सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ द नंबर. अच्छा, वो इनकम स्लैब पता है क्या आपको, किसको LIG में लेते हैं ये लोग, किसको LIC में? नो सर, सर कभी डिस्कशन आई थिंक मैंने मिस कर दिया. यस सर, निश्चित तौर पे आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें. Yes, sir. I'll look upon it, sir. Okay. धार जिले के रहने वाले. जी सर. धार जिले की कुछ महत्वपूर्ण बातें सर, धार जिला मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में स्थित है और मालवा क्षेत्र में आता है. धार जिला एलिवेशन अगर देखें तो 581 मीटर्स की ऊंचाई पर है. और जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में वो ये हैं कि पर्यटन के हिसाब से उसमें एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल मार्वल मांडू खुद आता है. इसके अलावा सर जो धार में मोस्टली जो पॉपुलेशन है दैट इज ट्राइबल एंड सर भील एंड भिलाला आर प्रोमिनेंट. और सर इसके अलावा सर धार खुद अगर देखा जाए तो उसे भोज नगरी, धारा नगरी कहा जाता है क्योंकि राजा भोज ने धार को बसाया था. मान लीजिए अगर आपको वहाँ पोस्टेड कर लिया जाता है धार जिले में, यस सर, टूरिज्म को कैसे प्रमोट करेंगे? सर धार क्योंकि मांडू धार से बहुत लगा हुआ है और धार जिले में ही आता है, तो धार में हमेशा से टूरिज्म जो है वो एक फुटफॉल टूरिस्ट का रहा है. पर सर अगर प्रमोट करने की बात कही जाए तो सर मैं सबसे पहले कोशिश करूंगी कि जो एडवर्टाइजमेंट है टूरिज्म का, क्योंकि सर मांडू खुद एक इतना बड़ा आर्किटेक्चरल मार्वल है पर इवन जो डोमेस्टिक टूरिस्ट्स रहते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता है कि धार में कुछ है. या हम लोगों के आसपास जो हम लोग के फ्रेंड्स होते थे वो भी दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि कुछ है वहाँ पे. तो आई विल फर्स्ट गो फॉर ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट. दूसरा सर मैं कनेक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना चाहूँगी क्योंकि सर धार जो है वो रेलवे लाइन से अभी तक कनेक्टेड नहीं है. और अगर किसी को धार या मांडू आना है तो उसे सबसे पहले इंदौर आना पड़ेगा. एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है किसी तरह से? सर डेफिनेटली टूरिज्म एक बहुत बड़ा एवेन्यू हो सकता है पूरे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए. सर जैसे अगर हम कनेक्ट कर दें तो कनेक्टिविटी में ही बहुत सारे छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस खुल सकते हैं जहाँ पे लोगों को नौकरी मिल सकती है. प्लस अगर टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ेगा तो जो लोकल इकोनॉमी या लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सेल बढ़ेगी. सर आप बता पाएंगे सर जिसको प्रमोट किया जा सके? सर मांडो की खुरासनी इमली होती है. सर यस सर, खुरासनी इमली या मांडो की इमली कहा जाता है इसको. क्या सर इसकी खासियत यह है कि ये सिर्फ इसी एरिया में मिलती है. प्लस सर इसमें जो वहाँ के ट्राइब्स हैं सर वो इसे मेडिसिन की तरह यूज करते हैं. इसका जो पेस्ट होता है सर दैट इज वेरी गुड इन जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें. तो सर अगर इसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च की जाए तो इसकी ब्रांडिंग भी की जा सकती है. और भी कुछ कर सकते हैं इसके लिए ताकि इसको प्रमोशन मिले? सर इसके लिए सर हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सकते हैं. यही टाइप के लिए भी सिफारिश कर सकते हैं? यस सर डेफिनेटली, पर इट नीड्स एक्सटेंसिव वर्क सर क्योंकि उसमें सर हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल हर तरह का एक्सटेंसिव रिसर्च चाहिए. तो सर ये केवल उसी क्षेत्र में. यस सर, तो सर अगर एक्सटेंसिव ब्रांडिंग की जाए तो डेफिनेटली हम जा सकते हैं. सर बाग प्रिंट है धार का खुद का. धार के पास में बाग केव्स है सर, वहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं वो बाग प्रिंट या जो सर टेक्सटाइल्स, बेसिकली बाग टेक्सटाइल्स बहुत फेमस है. तो सर उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं. उसको सर GI टैग मिला हुआ है बट स्टिल उसे ग्लोबल मार्केट में उतना नहीं देखा जाता है. उसके लिए क्या किया जा सकता है ताकि ग्लोबल मार्केट में आ जाए? सर उसके लिए भी जैसे अभी सर मांडू फेस्टिवल हुआ था तो सर उसमें हमने क्या किया था कि जो विदेशी टूरिस्ट आए थे
उन्हें हमने आसपास के गाँव में होम स्टेज में रखा था ताकि वो वहाँ के कल्चर और वहाँ के जो चीज़ें हैं उनसे परिचित हो सकें। तो सर हम कोशिश कर सकते हैं कि ऐसे फेस्टिवल्स में जो बाग टेक्सटाइल्स की जो मिल्स हों छोटी या जो उनके बहुत बड़े कलाकार हों हम उनसे उनकी मुलाकात करा सकें या उन्हें प्लेटफॉर्म दे सकें। तो सर इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। यस सर, तो एक हेल्प हो सकती है सर। मेरे ख्याल से फरवरी था, पर आई एम नॉट श्योर ऑफ दी डेट्स। राज्य की प्राइमरी सूची में भी रहे हैं, जिले की प्राइमरी सूची में भी रहे हैं, चांसलर स्कॉलरशिप भी आपको सिविल इंजीनियरिंग में मिला हुआ है। यस सर। तो सिविल इंजीनियरिंग के बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्यों? सर सिविल इंजीनियरिंग जब मैंने परस्यू किया तो आई वॉज ऑलरेडी इंटरेस्टेड। सर जब हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो देर आर अ लॉट ऑफ मटेरियल्स, बहुत सारा कॉस्ट और टाइम इन्वॉल्व होता है उसमें, पर वी आर बेयरली इंटरेस्टेड कि उस कंस्ट्रक्शन से आसपास के एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वी हैव सब्जेक्ट्स जो एनवायरनमेंट से डील करते हैं उसमें सिविल इंजीनियरिंग में भी, बट वी आर बेयरली इंटू इट कि इससे एक्चुअली कितना फ़र्क पड़ सकता है और डाइवर्स एनवायरनमेंट पे कितना फ़र्क पड़ सकता है। तो सर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सो सर ओवर द पीरियड ऑफ सर जो जनरल या बेसिक सब्जेक्ट्स थे वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी, और फिर सर जो कोर सब्जेक्ट्स थे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सर धार जिले का कुछ है इस तरह का प्लान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर? सर धार अभी देखा जाए तो कंपैरेटिवली काफ़ी पीछे है इस मामले में अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में देखा जाए। सर दे स्टिल रिलाई अपॉन, जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ इंदौर से तो सर इंदौर हैज़ अ वेरी डेवलप्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल करने का सिचुएशन, जहाँ उनके पास मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ हैं। तो सर धार में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ बहुत छोटे स्तर पर हैं, और जब हम मटेरियल रिकवर करते भी हैं रिसाइकलिंग के लिए तो वो हमें बाहर या थर्ड पार्टीज को भेजना पड़ता है जिसमें बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, रादर देन हम उसे वहीं ट्रीट कर सकें। प्लस सर अगर जो नॉन बायो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या वेट वेस्ट जिसे हम कहते हैं उसे भी देखें तो सर इंदौर में कंपोस्टिंग बहुत वाइड लेवल पे या इवन होम कंपोस्टिंग भी अडॉप्टेड है, बट धार में सर अभी भी लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के कुछ प्रावधान बताइए। यस सर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 बहुत एलैबोरेट वे में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और डिस्पोजल सब कुछ डील करते हैं। सर वो पहले तो जो लोकल या अर्बन म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी सर स्ट्रीट स्वीपिंग से लेकर के तो जो हमारे डोर टू डोर कलेक्शंस हैं वहाँ तक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें डिफाइन किया है। प्लस सर इसके अलावा इन्हीं के सब सेक्शंस में प्लास्टिक वेस्ट्स को डील किया गया है जिन्हें अभी सर हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स फेज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर उन्हें हमें किस तरह से डील करना है वो भी बताया गया है। प्लस सर जो वेट वेस्ट होता है सेग्रीगेशन, सर शुरू हम प्रोसेस सेग्रीगेशन से करते हैं, तो सर सेग्रीगेशन जैसे वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट में और हजार्डस वेस्ट अलग से होगा। फिर सर उन्होंने बोला कि डोर टू डोर कलेक्शन होगा, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रांसफर स्टेशन जो होते हैं हमारे वहाँ होगा। यस सर, सर मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर उसमें बेसिकली ये डिसाइड किया गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, जो भी व्यक्ति जो सामान बना रहा है, अगर वो प्लास्टिक पैकेजिंग या कुछ भी प्लास्टिक से रिलेटेड जो डिस्पोज होने वाला है एट द एंड उससे जनरेट करता है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनली उसे कलेक्ट करे या उसके डिस्पोजल पर ध्यान दे। तो सर इसके लिए सर काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने सर इस तरह के भी इनिशिएटिव्स लिए हैं कि वो अगर आप 1 किलो उन्हें उनका प्लास्टिक जो पैकेजिंग है वो वापस ला के दोगे तो दे विल गिव यू सम इंसेंटिव्स। तो सर वो भी है इसमें स्वच्छता अभियान से भी जुड़ा हुआ है। यस सर, आपका धार जिला जो है पता है किस रैंक पे है?
स्वच्छता के क्रम में सर एग्जैक्टली आई ट्राइड टू फाइंड आउट सर पर मुझे एग्जैक्टली कोई वो नहीं मिला सर. एमपी के टॉप 3 जिले कौन से हैं? सर इंदौर, भोपाल एंड सर उज्जैन भी है सर इस बार. उज्जैन? यस सर. स्मार्ट सिटी का कांसेप्ट है खासतौर से एमपी में चल रहा है, बिहार में चल रहा है. यस सर. क्या है स्मार्ट सिटी? सर स्मार्ट सिटी अगर देखा जाए तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, एक ऐसा सिटी बनाने के लिए जो इकोनॉमिकली भी डेवलप्ड हो प्लस सस्टेनेबल भी हो. तो सर इसमें हम सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो वो रिलायबल हो, एक्सेसिबल हो और सभी के लिए अवेलेबल हो. और सर इसके अलावा सर हम एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनने के लिए सर जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट्स हो गए, इस तरह के प्लांट्स पे भी सर फोकस करते हैं. सर ग्रेविटी डैम्स इस तरह के डैम्स होते हैं जो अपना सेल्फ वेट ग्रेविटी के बेसिस पे बैलेंस कर लेते हैं. उनके लिए कोई एक्सटर्नल हमें फोर्स या कोई पियर फाउंडेशन या इस तरह का कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना होता है, पर हम उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरह का रखते हैं कि जो नीचे फोर्स लग रहा है वही ऊपर की तरफ भी फोर्स लगे और दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करें. यस सर. सर उसमें हम बटरेस लगाते हैं. बटरेस यानी सर पियर्स या पाइल्स कह सकते हैं उनको. तो सर पियर्स या पाइल्स लगाते हैं तो यूजुअली सर वो ऐसे जगहों पे लगाते हैं जहाँ हमें बहुत जल्दी हार्ड स्ट्रेटा या हार्ड ग्राउंड नहीं मिलने वाला है, तो सर ऐसे जगह पे हम ये यूज करते हैं. इंडिया के किसी बड़े सिविल इंजीनियर के बारे में जानती हैं आप? बहुत सर श्री विश्वेश्वरैया सर, वो खुद जिनके नाम पे इंजीनियर्स डे हम मनाते हैं. सर 15th ऑफ सितंबर. यस सर. क्या योगदान उनका सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में? सर उनके योगदान अगर देखा जाए तो सर उन्होंने अपनी एज इवन 90 इयर्स तक उन्होंने इस फील्ड में काम किया है. और सर उन्हीं के योगदान से जो हमारे यहाँ का सबसे पहला डैम भाखड़ा नंगल डैम बना वो बना. प्लस सर उनके लिए पटना में सर जो पहले बना था भाखड़ा नंगल डैम सर मुझे ये याद है. इंडिपेंडेंस? यस सर आफ्टर इंडिपेंडेंस. श्योर सर. पहले तो उन्होंने एक बात बनाया था जो बहुत फेमस है जिसके लिए वो जाने जाते हैं. सर अगर आप एम विश्वेश्वरैया के बारे में बात करेंगे. यस सर. भाखड़ा नगर का सारा नाम बाद में आता है. यस सर. कोई नहीं जानता उसके लिए जाना. उस डैम का नाम पहले सर आई थी कृष्णा राव सागर डैम के बारे में सुना आपने? सर आंध्रा मैसूर में. यस सर. यस सर. सर सिविल इंजीनियरिंग का ही ब्रांच है आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग. सर आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो मोस्टली जो इनर ब्यूटी या ब्यूटिफिकेशन के लिए जो ज़रूरी होता है या एलिवेशन किस तरह का होना चाहिए उस तरह या ओरिएंटेशन किस तरह का फ़ायदा होगा सर उस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का जो ध्यान है सर वो सिविल इंजीनियर देते हैं. अभी थोड़े इसमें पहले ही इंदौर में एक हादसा हो गया. यस सर. है ना, वो भी सिविल इंजीनियरिंग फॉल्ट की वजह से हुआ था. यस सर. एक मंदिर था जिसके प्रांगण में लोग पूजा पाठ कर रहे थे, पूरा धस गया था. यस सर. और मान लीजिए कि आप नगर निगम आयुक्त होते उस समय और आपके पास उस तरह की कंप्लेन आती, जैसा कि न्यूज पेपर्स में आया था कि ग्रामवासियों ने कंप्लेन की थी और इसके बावजूद नगर निगम ने सर ध्यान नहीं दिया ऐसा कहा जा रहा है. अगर आप नगर निगम आयुक्त हैं किसी भी जगह में और इस तरह की कंप्लेन आपके पास है कोई इस तरह का स्थल है जिसका सिविल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है और कभी भी हजार्डस हो सकता है. यस सर. आप क्या करें? सर मैं सबसे पहले वहाँ पर कोशिश करूँगी कि ये कंफर्म कर सकूँ कि जो कंप्लेंट्स हैं वो कितना लेवल तक सही हैं या वो जो स्ट्रक्चर है वो कितना हजार्डस है और क्या उसकी लाइफ स्पैन है और उसे किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है. प्लस सर अगर वो स्ट्रक्चर इस तरह से बना है कि वो अवैध है या आसपास के पॉपुलेशन को किसी तरह का खतरा है उससे, तो सर मैं उसके आसपास डेफिनेटली बैरिकेडिंग कराऊंगी. और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सर मैं वहाँ के आसपास जो लोग हैं उनसे कंसल्ट करके
प्लस अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके सर उस स्ट्रक्चर को हटवाने का भी प्रयास करूंगी। चलिए, आपने काम करना शुरू किया रुकवाने का है। यस सर। ऑलरेडी सीन प्रेशर आ जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, कहा जाता है कि आप इंटरफेयर ना करें। यस सर। तब आप क्या करेंगे? सर, मैं वहाँ जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगी कि और उनके सामने ये फैक्ट्स रखूँगी कि क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इतना फॉल्टी है कि ये एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आसपास की पॉपुलेशन को बहुत नुकसान कर सकता है और जो इकोनॉमिक जो आप इसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं वो भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रहने वाला है। तो रैदर कि हम इस बुरी परिस्थिति में फंसे उससे अच्छा है कि वी नीड टू टेक एक्शन फर्स्ट और उनसे अपने साथ साथ जो वहाँ के जो लोकल पीपल हैं जिन्होंने कंप्लेंट्स की हैं उनकी भी एक समिति उनके भी कुछ स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हें लेकर के आऊँगी सर ऑन बोर्ड और सभी के बीच में ये कंसल्टेशन करके कोशिश करूँगी कि वो स्ट्रक्चर जो है वो निभाया जा सके। आपकी प्राथमिकता क्या है? सर, मैं एजुकेशन को देखती हूँ कि मैं कुछ काम करना चाहूँगी उसमें। क्या एजुकेशन के लिए? सर, एजुकेशन के लिए सर क्योंकि जो सबसे बड़ा अभी हमारा फोकस है सर, हमने स्कूल्स बना दिए हैं बट जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग है सर हम उस पर अभी भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो आई विल इंश्योर कि जो आउटकम है या जो बच्चे निकलने वाले हैं उन स्कूल से वो एटलीस्ट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेवलप कर सकें। प्लस सर क्वालिटी लर्निंग के साथ साथ सर वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग और उनका एजुकेशन प्लस वो बच्चों को किस तरह से क्या लगता है क्यों नहीं क्वालिटी लर्निंग हो पा रही है? सर मुझे ऐसे लगता है कि पहले तो अगर सिस्टम की तरफ से देखा जाए तो सर जो सिस्टम है वो थोड़ा सा रॉट लर्निंग की तरफ ओरिएंटेड है या हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं सर कि अगर रिजल्ट या मार्क्स अच्छे हैं तो द पर्सन इज डूइंग गुड। वी डोंट फोकस कि वो व्यक्ति क्या लर्न कर रहा है या उसे क्या आता है, उसकी समझ कितनी बड़ी है। तो सर पहला तो सिस्टम और सोसाइटी की तरफ से ये फॉल्ट आता है। दूसरा सर अगर बच्चों की तरफ से देखा जाए तो बच्चे जो हैं वो खुद को इतना इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि सिस्टम जो है बहुत मैकेनाइज्ड है और अगर सिर्फ आप कोई पुस्तक लेकर के बच्चों को बिठा देते हैं तो दैट इज़ वेरी मैकेनिकल, बच्चे उस तरह से नहीं सीख सकते। तो सर उनके लिए हमें कुछ एक्टिव लर्निंग के लिए सिस्टम्स लाने पड़ेंगे जिससे वो प्रैक्टिकल और एक्टिवली सीख सकें नॉलेज को। अगर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिया जाए, यस सर, आपकी चॉइस होगी बनना या एसडीएम बनना? सर एसडीएम बनना। क्यों? आप तो एजुकेशन के लिए काम करना चाहते हैं। सर एसडीएम बन के मैं एजुकेशन के साथ साथ और भी हर फील्ड में काम कर सकती हूँ। और किस डिपार्टमेंट को बेहतर करना चाहेंगे और कैसे? सर मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर देखा जा सकता है क्योंकि सर अभी कमिश्नरेट सिस्टम हमने लागू तो कर दिया भोपाल और इंदौर में पर सर अभी भी जो क्राइम रेट्स हैं वो ओवरऑल क्राइम रेट्स में कमी आई है पर जो छोटे या जो इंडिविजुअल क्राइम्स अगर हम देखें सर तो उनमें अभी भी उस तरह का सुधार नहीं है। तो मुख्यतः ज़्यादातर जो काम है पुलिस डिपार्टमेंट के पास चले गए। यस सर। एसडीएम के पास ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं बची। यस सर। लॉ एंड ऑर्डर का ज्यादातर काम तो पुलिस डिपार्टमेंट में होता है। यस सर। तो फिर आप एसडीएम में कैसे योगदान करेंगे? सर अगर देखा जाए तो जो बड़े या अर्बन मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे इंदौर और भोपाल हो गए सर यहाँ पे मोस्टली काम अभी पुलिस के पास चला गया है बट जो छोटी सिटीज़ हैं सर वहाँ अभी भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। प्लस सर अगर एसडीएम होते हुए मेरे पास इतने पावर्स रहते हैं सर या इतना अथॉरिटी रहता है कि मैं वेरिड सेक्शन से हर तरह से कॉन्टैक्ट में आ सकूं तो सर मुझे लगता है कि मैं सर एक्चुअली मान लीजिए आपको धार जिले में बना दिया गया एसडीएम आपके सब डिवीजन। यस सर। तो आप क्राइम रेट को कम कैसे करेंगे? सर मुझे लगता है कि मैं कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कर सकती हूँ। ऐसे एरियाज जहाँ पर क्राइम ज़्यादा हैं वहाँ पर सर कम्युनिटी पुलिसिंग यानी जो लोग हैं वहाँ पे लोकल्स उन्हें इन्वॉल्व करके अगर पुलिसिंग की जाए तो सर वो एक बेहतर सुझाव हो सकता है। प्लस सर ट्राइबल वेल्स जहाँ पर सर ट्राइब्स के अगेंस्ट बहुत सारे क्राइम्स होते हैं तो सर वहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि उनकी कम्युनिटीज से और अपने डिपार्टमेंट से
एक इस तरह की कमिटीज बनाई जाएं जो कंटिन्यूस विजिलेंस रख सकें उस एरिया में, कि अगर इस तरह के किसी भी तरह के क्राइम्स होते हैं तो वो एटलीस्ट रिपोर्ट हो. वंस दे आर रिपोर्टेड तो सर मैं कोशिश करूंगी कि उनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन हो सके. ये जो कम्युनिटी पॉलिसी का कांसेप्ट है, यस, तो पता है कहां से शुरू हुआ था, इंडिया में किसने इसको प्रमोट किया था? नो सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. अच्छा, ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है? सर मुझे लगता है दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा. अगर मान लीजिए आप अकेले अकेले इसको करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के जो अथॉरिटीज हैं उनको ये तो लग सकता है ना कि हमारे एरिया में इंक्रोचमेंट रेट कर रहे हैं. सर मैं अकेले से करने का बिल्कुल कोई मेरा सुझाव नहीं है. सर मैं डेफिनेटली, क्योंकि पुलिस जो है वो प्रायर है लॉ एंड ऑर्डर के लिए और उन्हें इसकी अग्रिम समझ है, तो सर मैं कोशिश करूंगी कि पहले जो कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए जो कमिटीज बनाना चाह रही हूँ उसमें पुलिस का जो रिप्रेजेंटेशन हो वो ज़्यादा हो कम्युनिटीज के साथ पुलिस. सर फिर से वही, SDM जो है वो मैं वेरीड फील्ड्स में काम कर पाऊंगी और मुझे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलेगा. आपकी एक हॉबी है या इंटरेस्ट है पब्लिक स्पीकिंग? यस सर. कभी मौका मिला स्टेज पे कुछ बोलने का या किसी पब्लिक प्लेस पे? सर मैंने अपने स्कूल से स्टेट लेवल तक रिप्रेजेंट किया है स्पीच और ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में. सर आप लिखते भी हैं? यस सर. क्या लिखते हैं? सर मुझे काव्य का बहुत ज्ञान तो नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी भावनाएं हैं या जिन परिस्थितियों में मैं हूँ. किस भाषा में लिखते हैं? सर हिंदी या इंग्लिश. किसी की कविताएं पसंद है आपको, कोई ऐसा लेखक? सर प्रेरणा कहाँ से मिली? सर मैं सिर्फ जो अपनी भावनाएं होती है सर सिर्फ उन्हें शब्द देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है. अमृता प्रीतम का कुछ कभी पढ़ा है मैंने, या फिर स्टोरीज में अगर देखें तो मैंने कुछ मुंशी प्रेमचंद की पढ़ी है, पर एज इन मैं बहुत किसी एक फिगर को फॉलो नहीं करती हूँ सर. ठीक है.